अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम अली एंड आई एम शाहिल। और आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर साइम भी मौजूद हैं। और गाड़ी हम आपको बता देते हैं कौन सी है। दिस इज़ द टोयोटा फॉर्चुनर फेसलिफ्ट वर्जन। और जिस गाड़ी में हम स्पेसिफिकली बैठे हैं ये सिग्मा 4 डीजल 2.8 है। सो लेट्स ड्राइव इनटू द रिव्यू नाउ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे हमारी फेसबुक कम्युनिटी पे, जिसका नाम है ब्लूमबर्ग ओवरड्राइव। और इसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। और साथ ही हमने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बना लिया है, एंड वी अर्ज यू गाइस टू फॉलो अस देयर। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं। ये जो वेरिएंट है इस टाइम पे इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जस्ट लाइक इट्स प्रेडिसेसर। क्योंकि पहले भी जो सिग्मा 4 था वो रेंज टॉपिंग में आ रहा था, लेकिन अब जो है ये भी एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद एक लेजेंडर के नाम से भी वेरिएंट जल्द ही मुतारफ़ करवाया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में, जिसमें इंजन यही होगा लेकिन उसमें ऑब्वियसली जो उसके एक्सटीरियर है वो तब्दील किया जाएगा और उसके इंटीरियर में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे। टोयोटा इंडस ने जब इसको ओरिजिनली लॉन्च किया था तो ये 2.7 पेट्रोल आती थी सिर्फ 4x4 ओरिजिनली 2TR इंजन के साथ। उसके बाद इन्होंने एक साल के बाद पेट्रोल को टू व्हील ड्राइव कर दिया था, और डीजल सिग्मा 4 जो है 2.8 सिर्फ ये ऑप्शन थी आपके पास 4x4 में। और बहुत से लोग ऐसे थे जो डीजल गाड़ी नहीं लेना चाहते थे, उनको गाड़ी पेट्रोल चाहिए थी लेकिन 4x4 की ऑप्शन नहीं थी। तो दोबारा से इंडस ने इस फेसलिफ्ट के साथ 4x4 का जो वी वेरिएंट है उसके अंदर 4x4 दे दिया है। वेयर एज जी जो है दैट इज़ अगेन स्टिल वो टू व्हील ड्राइव ही है गाड़ी। सो 4x4 में आपके पास पेट्रोल प्लस डीजल दोनों ऑप्शंस आ गई हैं अब। तो फेसलिफ्ट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सबसे जो पहली चेंजेज हैं इसके अंदर वो तो शेप के अंदर है। शेप एज इन इसके अंदर फेसलिफ्ट किया गया, जिसका मतलब ये कि गाड़ी वही है, मॉडल वही एग्जैक्ट सेम है। फेसलिफ्ट में इसकी लाइट्स चेंज की गई हैं, फ्रंट की ग्रिल चेंज हो गई है, रेयर लाइट्स में फ़र्क है, बम्पर में फ़र्क है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, वो रिम्स का है। मुझे प्री फेसलिफ्ट के जो रिम्स थे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, ये नए वाले रिम्स देख के शाहिल मुझे लगता है जैसे पता नहीं कोई बेस वेरिएंट जा रहा है फॉर्चुनर का। एग्जैक्टली। और खैर ये तो चले एक्सटीरियर की बात होगी, अगर हम अब फोकस करें कि इस गाड़ी में इंटीरियर में क्या चेंजेस आई हैं तो बहुत ही मिनिमल किस्म की चेंजेस हैं इंटीरियर में। जैसे कि अभी मैं सामने अभी ड्राइव करूँ तो मेरे सामने जो इसका ऑडोमीटर है वो इन्होंने तब्दील किया है। उसमें जो एडिशनल चीज़ें अब ड्राइवर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो पहली चीज़ तो ये आपके जो टायर्स हैं वो जिस साइड पर आप अगर उसे टर्न करते हैं उसकी एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन आपको मीटर पे नजर आती है। अच्छा, फिर इसमें डिजिटल स्पीड भी अब उन्होंने शो करवाना शुरू कर दी है, विच इन माय ओपिनियन इज वेरी गुड, कि ये ड्राइवर को बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है अगर आपने स्पेशली जब क्रूज कंट्रोल सेट करना हो और आपने लॉन्ग जर्नीज पे जाना हो। अच्छा शाहिल, एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे इन्होंने नहीं की और इनको बिल्कुल वो करनी चाहिए थी, वो इसकी इंटीरियर की कलर स्कीम ऑप्शंस हैं। सेम ओल्ड टैंजरीन, ऑरेंज, बेज, आप इसको कह लें जो मर्जी कलर दे लें, एग्जैक्टली वही स्कीम है। और मुझे पर्सनली मैंने देखा है कि इसका जो जी वेरिएंट का ब्राउन इंटीरियर है मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा और डिसेंट लगता है। तो टॉप ऑफ द लाइन में एटलीस्ट इनको कलर ऑप्शन देनी चाहिए, आप ग्रे की ऑप्शन दे दें लेदर में, आप ब्राउन की दे दें, वो चीज़ मिसिंग है अभी भी। फिर अगेन इसमें कुछ मजीद चेंजेस किए हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके इंजन को तो इन्होंने रीमैप किया है। अभी जो रीमैप करने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि इसमें पावर को मजीद इंक्रीज़ किया गया है, तो उसमें टॉर्क इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्रीज़ किया है बाई 50 न्यूटन मीटर्स। तो इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो 500 न्यूटन मीटर्स है, जबकि जो पुरानी सिग्मा 4 थी उसमें 450 न्यूटन मीटर्स आता था। और जहाँ तक इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए तो वो भी इन्होंने स्लाइटली इंक्रीज़ की है, नाउ इट प्रोड्यूसेस 201 हॉर्स पावर।
और एक और चीज़ जो मैं अब नोटिस कर रहा हूँ एज अ ड्राइवर, मैंने पिछली सिग्मा 4 भी काफ़ी एक्सटेंसिवली ड्राइव की थी, इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स बड़ा मज़े का है. आई कैन डेफिनेटली से कि थोड़ा सा लाइट है, और प्रॉबेबली इसी वजह से क्योंकि टोयोटा ने इसमें वेरिएबल फ्लो स्टेयरिंग अब दिया है जो कि इससे पहले नहीं था, विच मीन्स कि अब ये लो स्पीड्स पे लाइट रहते हैं और जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होती है ये अडेप्ट करता है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे. तो ये भी एक डिफरेंस है. जो स्टेयरिंग है यकीन करो वो पिछली जो फॉर्च्यूनर थी इससे, वो आप किसी भी गाड़ी से, स्पोर्टेज से उतरो, सिविक से उतरो, करोला से उतरो, किसी भी गाड़ी से उतरो, इवन प्राडो जो इट्स अनदर एसयूवी वो है भी टोयोटा की, उसके बाद जैसे आप फॉर्च्यूनर में बैठते थे तो एकदम आपको लगता था जैसे पावर स्टेयरिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा इसका. आपको थोड़ा सा टाइम लगता था रियलाइज करने में कि इसका स्टेयरिंग है ही इस तरह का और बड़ा हैवी स्टेयरिंग है, स्पेशली पार्किंग्स के अंदर, रश के अंदर, स्लो स्पीड्स के ऊपर. दूसरा मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि इसके अंदर तीन ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट. इससे पहले इसके अंदर इको और पावर का मोड था, और वेरस अभी भी इसके जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं उनके अंदर भी दो ही मोड्स हैं, वेरस इसके अंदर थ्री हैं. और उसके अलावा इन्होंने इस गाड़ी के अंदर LSD दिया है, विच इज़ बेसिकली लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल. इसका मकसद ये होता है कि ट्रिकी सिचुएशंस में, ऑफ रोडिंग में, स्लिपरी सिचुएशंस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है तो. अच्छा, और जो एक और मैंने चीज़ इसमें अभी नोटिस की है वो ये कि इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आप एंगेज कर सकते हैं एट अ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. इससे पहले वाली जितनी भी मैंने तो टोयोटा की गाड़ियाँ चलाई हैं उन सब में 42 किलोमीटर पर आवर की ही मिनिमम स्पीड लिमिट होती थी. सो व्यूअर्स, आई थिंक इट्स बेटर कि अब हम इस गाड़ी के जो स्पेक्स एंड फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस करें. वैसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ऑब्वियसली जो हमने फॉर्च्यूनर को पहले भी 2-3 दफ़ा रिव्यू किया हुआ है जिसमें इसका सिग्मा 4 वेरिएंट भी है और इसका जो जी वेरिएंट है वो भी हम रिव्यू कर चुके हैं. इंटीरियर में अगेन अगर तो स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 9-inch का आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है विच इज़ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इनेबल्ड, लेकिन ये वायर्ड एप्पल कारप्ले है, इसको आप वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की भी ऑप्शन है, वो तो आप जस्ट लाइक एनी अदर कार उसी तरह कनेक्ट करेंगे. फिर इसमें जो एक और सेम फीचर है वो ये कि इसमें सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है जिसके AC वेंट्स तीनों रोज को दिए गए हैं, तो मिडिल रो में भी है और उसके अलावा आपके पास जो लास्ट रो है उसमें भी AC के वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. और हाँ, एक चीज़ जो अच्छी आ गई है वो ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर आ गया है इसमें, और उसके ऊपर मैं देख रहा था मुझे कोई सेंसर टाइप चीज़ नज़र आ रही थी, आई थॉट मे बी रेन सेंसिंग वाइपर्स हो, लेकिन नहीं है, वो ऑटो डिमिंग मिरर का सेंसर है. मेरा तो ख्याल है ड्राइव ट्रेन भी एग्जैक्ट वही है, ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है सिंस इट्स अ फेस लिफ्ट. तो वो कहते हैं ना कि जी नया डब्बा और पुराना माल, तो कुछ उसी तरह का सीन चल रहा है. डब्बे की जो पैकिंग है और मे बी साथ थोड़ा बहुत जो डब्बे का डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है, बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने अभी भी ऐड नहीं की, स्पेशली आफ्टर द न्यू कमर्स जो इस मार्केट में आ रहे हैं वो कम प्राइस में इतने इतने अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, और टोयोटा ने जो सबसे महंगी आपकी लोकली प्रोड्यूस गाड़ी है अभी भी इसमें वो फीचर्स नहीं डाले. मेरा ख्याल है इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करेंगे टोयोटा वाले कुछ अरसे बाद, एक फेसलिफ्ट और देंगे और ये नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे फिर. बिल्कुल, तो सिंस अब आपने ये मिसिंग फीचर्स की बात छेड़ ही दी है तो आई थिंक इट्स बेटर कि अब हम जो इस प्राइस कैटेगरी में मिसिंग फीचर्स हैं उनकी भी डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि पार्किंग सेंसर्स अभी तक नहीं दिए. इससे जो अब जो क्रॉसओवर गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा हैं, हमने इनका रिव्यू भी किया है, वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में एटलीस्ट रियर पार्किंग सेंसर्स तो दिए गए हैं. ये इतनी बड़ी इस कैटेगरी की गाड़ी और अभी तक इसमें कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, ना फ्रंट ना बैक, और आई थिंक के लोगों के साथ प्ले अराउंड करने के लिए फ्रंट बम्पर में इन्होंने जो दो टिकियाँ लगाई हुई हैं गोल छोटी सी ना प्लास्टिक की, उनको आप उखाड़ेंगे और उसके अंदर सेंसर फिट कर देंगे. तो आई डोंट नो कि टोयोटा ये क्यों कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल, लेकिन इट्स स्टिल देयर. और इस साइज की गाड़ी के अंदर ना फ्रंट कैमरा दिया, पार्किंग सेंसर शाहिल ने बताई दिया कि नहीं दिया, फ्रंट कैमरा तक नहीं दिया. और इसमें बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस कैटेगरी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग है, जिसमें पहली चीज़ तो है कि इसके जो स्पीकर की क्वालिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, हैं वही 4 स्पीकर्स हैं और 2 इसके ट्विटर्स हैं, तो टोटल ये 6 स्पीकर्स इसके बनते हैं, और जो लास्ट रो है अगर कोई उधर बैठा हुआ है तो उसके लिए तो साउंड क्वालिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगी. फिर इसमें एक और जो चीज़ अभी तक इम्प्रूव नहीं की वो ये कि एयरबैग्स, सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, और अब हमने अगेन क्रॉसओवर्स के रिव्यूज़ किए हैं, अभी जो MG है HS उसमें भी 6 एयरबैग दिए गए हैं, इवन जो ग्लोरी 580 प्रो है उसमें भी 4 एयरबैग्स आते हैं, इसमें अभी भी सिर्फ 3 एयरबैग्स हैं, जस्ट लाइक इट्स प्री फेसलिफ्ट मॉडल, और उसमें कोई चेंज नहीं लाई गई. अभी भी गाड़ी उतनी ही अनकम्फर्टेबल लग रही है मुझे जितनी पहले दिन से थी, सीट्स अभी भी हार्ड हैं,
सस्पेंशन में मुझे नहीं लग रहा इन्होंने कुछ किया, अगर किया भी है तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये इट्स डिसअपॉइंटिंग के इतनी इस लेवल की इस प्राइस की गाड़ी, दी ओनली लोकली मैनुफैक्चर्ड प्रॉपर SUV इन पाकिस्तान, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, उस गाड़ी में कम्फर्ट लेवल अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही ख्याल है एज अ ड्राइवर, मुझे जो ड्राइविंग सीट है वो भी बहुत उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मुझे तो सेम ही लग रही है टू बी ऑनेस्ट। आई वाज होपिंग के जस्ट लाइक किया स्पोर्टेज एंड अदर कार्स इसमें लंबर सपोर्ट दी जाए, मतलब उन गाड़ियों में है जो इससे प्राइस में लिटरली आधी है उससे भी कम है और इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन अली आई थिंक हमारे व्यूअर्स को हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके ड्राइविंग रिस्पांस में जो थ्रॉटल रिस्पांस है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और ये चीज़ बेसिकली जब हमने शुरू में आपको इसका 0 to 100 टेस्ट करके भी दिखाया होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाकई एक फ़र्क है और टोयोटा ने अपने इंजन को मज़ीद रिफ़ाइन किया है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे फील हुई है इसके अंदर वो ये है कि इस गाड़ी की जो इंजन नॉइज़ और वाइब्रेशन है वो कम हुई है, मुझे ये गाड़ी रिलेटिवली थोड़ा सा जो इसकी साउंड है वो स्मूथ लग रही है एज कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट सिग्मा 4। बिल्कुल हाँ, लेकिन अब आई थिंक लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे क्या इसकी कोई ट्रांसमिशन में भी डिफरेंस आए, तो अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, सेम 6-speed ऑटो इसमें ट्रांसमिशन है, और इसके जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह ही स्लो हैं। बेसिकली अगर आप कोई 3500 RPM पे अपशिफ्ट करते हैं तो वो अपशिफ्ट होता है अराउंड 4-4.5 पे, तो इतना सिग्निफिकेंट जो लैग है मैंने अभी तक किसी और गाड़ी के गियर्स में नहीं देखा। सो व्यूअर्स, अब हम इस गाड़ी का कैबिन इंसुलेशन को टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन ऑन द फोन। जस्ट लाइक ऑल अदर रिव्यूज, इसमें भी फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल वही है। इसका टेस्ट हम इस तरह करेंगे कि 60 km/h की स्पीड पे इस फॉर्च्यूनर को हम चलाएंगे फॉर सम टाइम, और एंड पे जो उसकी एवरेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। साहिल, ऑफ कैमरा मैं भी पहले इस गाड़ी को चला चुका हूँ, अब रिव्यू में आप भी चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जिस ओनर बेचारे को पीछे बिठाया हुआ उसको भी आगे आने दो अब। चलें जी, लेट्स शुरू। जी साहिल, कितना अरसा हो गया? इस गाड़ी को 2 weeks हो गए हैं डिलीवर हुए हुए, तो टिल नाउ आई हैव ड्रिवन अराउंड 980 km, ऑलमोस्ट 1000। तो अच्छा yes. लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली द कार इज अमेजिंग। तो साइम, गाड़ी बुक कब करवाई थी, कितनी देर में मिली? इसमें जो है मैंने इसकी बुकिंग कराई थी फेब्रुअरी में, ना इन्होंने फेसलिफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना इन्होंने कुछ किया, ना इन्होंने प्राइस बताई, बस हमें ये बता दिया था कि जी जो करंट प्राइस है उस पर आपका 15% तक जो है इंक्रीज होगी प्राइस, तो आई वॉज ओके विद डैट कि चलो ठीक है। इन्होंने फीचर्स भी नहीं बताए, ना इन्होंने बताया कि वेरिएंट कौन सा आ रहा है। आई बुक दिस वेरिएंट स्पेशली कि मुझे लग रहा था जो बाहर के मुल्कों में LTD के नाम से या लेजेंडर के नाम से वेरिएंट आ रहा है, आई थॉट कि शायद आई होप्ड कि वो वाला वेरिएंट आ जाए, लेकिन वो आया नहीं अनफॉर्चुनेटली। आई गॉट दिस कार इन सितंबर, द डिलीवरी मंथ वॉज अगस्त। अच्छा, इसका मतलब है आपको गाड़ी इन्होंने दी है कोई तकरीबन 6 से 7 महीने। यस एग्जैक्टली, 6 से 7 महीने आपने वेट किया। अब तो मेरा ख्याल है वेटिंग टाइम इससे भी ज़्यादा हो गया शायद। यस, मैं 1000 है इसमें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डिलीवरी के टाइम पे उस वक्त जो डीलरशिप का एटीट्यूड था, गाड़ी की जो सफाई होती है, गाड़ी की एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन होती है, बिकॉज मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ डिलीवर होती हैं वो जब वॉश करते हैं उनको वो इतने गंदे तरीके से वॉश करते हैं कि आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी जो सी है उसके ऊपर डस्ट के स्क्रैचेस और स्वर्ल्स पड़ जाते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ फील हुई है कोई? मैंने ब्लूमिंग ओवरड्राइव की कम्युनिटी में पोस्ट भी डाली थी व्हेन आई रिसीव द कार, मैंने उसमें बताया भी था ये इशू। ये एक तो एक इफ़ यू गाइस कैन फोकस, यहाँ पे जो है एक पेन का निशान लगा हुआ है, आ रहा है नजर, पेन का निशान है, दिस जो उनसे रिमूव भी नहीं हुआ, आधा घंटा लगे रहे, कभी क्या केमिकल ला रहे हैं कभी क्या पेट्रोल ला रहे हैं वो लगे रहे, बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ ये। सेकेंडली, इसके जो डोर है ड्राइवर डोर, उसका पेंट चिप हुआ हुआ था। अच्छा, एंड आई वॉज शॉक कि यार मैं 0 meter गाड़ी ले रहा हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए ना कि पेंट चिप है, और वो वहाँ पे कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था इस चीज़ की। जहाँ तक सफाई की बात है, द इंजन बे वॉज नॉट वॉश्ड, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वो वॉश नहीं हुआ हुआ था। गाड़ी उन्होंने बाहर से तो चमका के ऐसे वो यानी अच्छी खासी दी हुई थी,
एंड आई वॉज जस्ट यू नो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन दैम. आपकी किस्मत कैसी थी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बजट से पहले प्राइस और थी और बजट के बाद प्राइस कम हो गई थी, तो किस प्राइस पे मिली है गाड़ी आपको? बुकिंग कराने का एक ही मुझे फ़ायदा यहाँ पे नज़र आया कि प्राइस उन्होंने इंक्रीज की बीच में, जब फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ अराउंड 4 लाख या 3 लाख 80,000 इस पे इंक्रीज हुआ था सिग्मा वेरिएंट पे. गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए तो 92.4 थी पहले इसकी प्राइस जब इन्होंने इंक्रीज करनी थी, और वापस वो 96 से 92.6 पे आ गई वो अब, तो मैंने वो वाली प्राइस पे की थी. जब मैंने गाड़ी बुक करवाई थी तो जब पे ऑर्डर कंफर्म हो गया था, मैंने पिक्चर सेंड की थी सेल्समैन को, तो उसने उसके बाद मुझसे कहा था कि भाई अच्छा ठीक है ये तो हो गया, बाकी एडवांस में आपने इंश्योरेंस का चेक और रजिस्ट्रेशन का चेक जमा कराना है. एक तरह से घेरा ही लगा था मुझे. तो आई वॉज़ लाइक कि यार आधी बात बता के छोड़ दी. तो अब उसके बाद जो है जो इंश्योरेंस थी वो अराउंड 2 लाख रुपीज़ की मुझे पड़ी है साल की ईयरली SBI. रजिस्ट्रेशन वो इन्होंने ज़बरदस्ती पंजाब से ही की है लाहौर से, दैट वॉज अराउंड 4.5 लाख रुपीज़. क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको लगता है कि इतने पैसे खर्चे हैं और पाकिस्तान की सबसे महंगी लोकली प्रोड्यूस गाड़ी खरीदी और इसमें अभी भी वो चीज़ें नहीं हैं जो इतने पैसे खर्च करके आनी चाहिए थी? इससे पहले आई वॉज़ यूजिंग स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव लिटरली द हाफ प्राइस ऑफ इट, एंड उसमें पार्किंग सेंसर्स थे, और इसमें जो है पिछले पैसेंजर्स के लिए इन्होंने ग्रैब हैंडल्स भी नहीं दिए. और ग्रैब हैंडल्स की जहाँ तक बात है, ये चीज़ हम अपने पिछले रिव्यूज में पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इवन हाइलक्स के अंदर पीछे ग्रैब हैंडल्स आते हैं, फॉर्चुनर के अंदर नहीं, जो कि बनी बेसिकली ज़्यादातर फैमिली यूज़ के लिए. सो जिन लोगों की एज ज़्यादा है, जिनकी हाइट कम है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में. सो व्यूज़, ये फॉर्चुनर का POV है. आप ये वैसे पहले भी शायद जिन लोगों ने हमारे फॉर्चुनर के दूसरे रिव्यूज़ देखे हैं उसमें ये POV ऑलरेडी अवेलेबल है. सो डेफिनेटली मैं इसमें कोई चेंज तो कह नहीं सकता कि है, ऑब्वियसली चेंज बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्ट वही है. ए पिलर जोन से हैं वो, उनकी पोजीशन ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट नहीं आ रहा इतना ज़्यादा. जस्ट लाइक बिफोर, इसका भी जो रेयर विजिबिलिटी है इस गाड़ी की वो इतनी कोई अच्छी नहीं है रेयर हेडरेस्ट की वजह से, लेकिन फ्रंट विजिबिलिटी ठीक है. गाड़ी चलाने में इवन हाईवेज के ऊपर लोकल सिटी ट्रैफिक में काफ़ी आपको अच्छा व्यू मिलेगा, इवन ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी किस्म का. अच्छा, और ड्राइव करते हुए जो एक डिफरेंस फील हो रहा है ना मुझे इस गाड़ी के अंदर, वो प्रॉबेबली शाहिल ने मेंशन भी किया है, वो स्टेयरिंग की वजह से हो रहा है. स्टेयरिंग की वजह से ना एक फीलिंग आ रही है जैसे गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो सा ना वो कम हो गया. अब आई एम नॉट श्योर, मेरा नहीं ख्याल गाड़ी का टर्निंग रेडियस कम हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइटनेस एक साइकोलॉजिकल फील है कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है. और वाकई में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर आपके पास प्री फेसलिफ्ट फॉर्चुनर है आप डेफिनेटली इसको चलाएं, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा, विच इज़ अ गुड थिंग. पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी इस गाड़ी को स्लो स्पीड पर मोड़ने के लिए, अब वो इतनी ज़्यादा एफर्ट इज़ नॉट देयर, ये थोड़ा सा एफर्टलेस हो गया स्टीयरिंग इसका. सो व्यूअर्स, अब हमने इस गाड़ी को बहुत ही डिटेल में रिव्यू किया है, आई थिंक अब हमें इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है उसकी तरफ आना चाहिए. एंड आई विल स्टार्ट विद अली. अली, क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में? अगर मुझे एक 7-सीटर ब्रांड न्यू SUV चाहिए तो मेरे पास यही ऑप्शन है. हाँ, अगर मेरा बजट टाइट है, मैं प्रोबेबली अगर 30 लाख रुपया बचाना चाहता हूँ तो शायद मैं किया सोरेंटो की तरफ भी जाऊँ, जो उसका सबसे बेसिक वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वही बनती है. लेकिन इफ माय बजट अलाउज मी, डेफिनेटली इट्स अ नो ब्रेनर, आई गो फॉर दिस फॉर्चुनर. अच्छा अली, अब ये जो 3 मिलियन है बड़ी ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो आपके पास अगर बजट इजाजत देता है तो आप ये गाड़ी ही क्यों परचेज करेंगे, आप कोई और ऑप्शन के पीछे क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, उसकी वजह सिंपल सी है कि ठीक है इस गाड़ी में बहुत सारे शॉर्टफॉल्स हैं, फीचर्स मिसिंग हैं, देयर इज अ लॉट दैट इज देयर इंप्रूव हो सकता है. ठीक है, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ इसका कम्फर्ट लेवल वो नहीं है जो कि अगर हम 3 मिलियन कम में आप बात करते हो, हम सोरेंटो की बात ही कर लेते हैं, वो भी नहीं है. बाकी सारे फैक्टर्स अकाउंट फॉर करके बाद इन अ समरी अगर हम एक बात करें कि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे इसका एक बैज है टोयोटा का, एंड टोयोटा इज नोन इन द इंटायर वर्ल्ड एज फॉर बीइंग ड्यूरेबल. और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी मैंने जितने की ली है ना, ये लॉस कम करेगी. कल को रीसेल फैक्टर जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगा वो आपको उसके साथ नहीं मिलेगा. और हाँ, एक फैक्टर बिल्कुल है, ना चाहते हुए भी अगर आप ऐसे नहीं भी सोचते, स्टिल एक इमेज और प्रेजेंस जो होती है गाड़ी की, वो हर बंदा अनकॉन्शियसली भी उसके बारे में सोच रहा होता है. सो वो डेफिनेटली इसमें सोरेंटो की राइड हाइट कम है, उसकी वजह से उसकी वो प्रेजेंस नहीं है जो इसकी है. दिस इज अल्टीमेटली
it's an SUV from Toyota and that is the reason I would probably prefer this one. बिल्कुल यही पॉइंट्स है मेरे भी ज़हन में, अगर मुझे भी ऑप्शन मिले बिटवीन चूजिंग दिस कार और लेट्स से सोरेंटो और एनी अदर कार, तो एक तो ये 0 meter इस प्राइस में SUV मुझे अगर टोयोटा की मिले तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो व्यूज, ये तो था हमारा टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट सिग्मा 4 का डिटेल रिव्यू। आपने हमारी भी ओपिनियन देख ली, ओनर की भी आपने ओपिनियन देख ली, हमें भी अपनी ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।